वेलकम टू माय चैनल टीसीडी द कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ मैं बीफ की गोश्त की एक स्पेशल रेसिपी, जो मतलब बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। इसके लिए मैंने जो है बीफ फिंगर नाम है इसका, मैंने नाम दिया है। और इसके लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है। इस तरह से मैंने बड़े बड़े पीस से कट किए हैं, क्योंकि ईद का मौका है तो ज़्यादा सभी के घरों में जो है गोश्त होगा, तो ये बड़े का गोश्त है, तो इसको इस तरह से बड़े बड़े जो है पीस करे हुए हैं मैंने। इसमें मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं एक चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। मिर्च डाल देंगे इसमें एक चम्मच। हल्दी डाल देंगे इसमें आधा चम्मच। एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सारे मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे एक गिलास। अब हम इसके गैस कुकर की लीड लगा देंगे और इसको हम बॉईल कर लेंगे गोश्त को, कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। ये यहाँ पर हमारा गोश्त जो है बॉईल हो गया है और हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये जो हमने गोश्त बॉईल किया था ना, अब हम उसके पीस करेंगे। इस तरह से पीस करना हमें, ये इक्वल साइज में होना चाहिए इसके पीस। देखिए ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा पतले। सारे गोश्त के जो है पीस कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पर सारे पीस इस तरह से हो रहे हैं। ये सारे पीसेस हमने इसको इस तरह से कट कर लिए हैं गोश्त के। ये देखिए लंबे लंबे इक्वल साइज में। हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। दो चम्मच जो है मैदा ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। आधे से आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला के पाउडर। आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया हल्का सा भुना हुआ और कुटा हुआ। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। नमक डालेंगे हम मसाले के अकॉर्डिंग। गोश्त में हमने मसाला वो डाल ही चुके थे नमक, इसलिए हमने नमक उसमें कम डाला है। उसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। सेसम सीड्स डालेंगे या कि तिल्ली वाइट वाली। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आधे से आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ भुना हुआ जीरा। एक चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। हम इसमें नींबू डाल देंगे। इसमें हम दो चम्मच डाल देंगे फ्राई मसाला, चिकन फ्राई मसाला है ये। आप कोई सा भी फ्राई मसाला ले सकते हैं, ये तो अगर ना हो तो इसको भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये सारा। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारा मसाला जो हमने इसमें अच्छे से लगा दिया है, अब हम इसको रख देंगे
फ्रिज में 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने रख दिया है और ये हमारे फिंगर्स जो है वो भी फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हो गए, 15 मिनट। अब हम इसको एक एक करके जो है इसमें डाल देंगे। पहले हमें इसकी हाई रखना है, लेकिन ये तो बड़े का है। अब हम इसको डाले हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हम उसकी साइड जो है चेंज कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए हमारे जो है क्रिस्पी फिंगर्स रेडी हो गए हैं, देखिए निकाल लेंगे। ये मेरे जो है फिंगर्स रेडी हुए हैं, ये बड़े के गोश्त के फिंगर्स से देखिए बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से जूसी हैं। आप इसको ट्राई करिएगा और इसको दही के साथ और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करिएगा। और आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।